सनसनी ऑफ इंडिया। द्वारका जिला स्पेशल स्टाफ ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। शार्प शूटर ने बाबा हरिदास नगर थाना इलाके में एक व्यक्ति से 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। न देने पर शार्प शूटर ने भय पैदा करने के लिए पीड़ित के घर के बाहर फायरिंग कर दी थी। शार्प शूटर की पहचान 26 वर्षीय न्यू रोशनपुरा नजफगढ़ निवासी इकबाल उर्फ मिक्कू के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक इलीगल ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। आरोपी की लंबी क्राइम हिस्ट्री है। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि थाना बाबा हरिदास नगर में दिनांक 11 जनवरी दोपहर लगभग 11 बजे एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। पीसीआर कॉल में शिकायतकर्ता मकान नंबर 18 बाबा हरिदास एनक्लेव निवासी बलविंदर पुत्र अशोक कुमार ने बताया कि वो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके मोबाइल नंबर पर कॉल कर गैंगस्टर काला जठेड़ी के नाम पर 20 लाख रुपयों की डिमांड की थी। जब पीड़ित ने कॉल को अनसुना कर दिया तो 10-15 मिनट के बाद उसके घर के मेन गेट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग कर दी थी। इन्फॉर्मेशन मिलते ही बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। पुलिस टीम को घर के सामने एक खोखा पड़ा मिला। बाबा हरिदास नगर पुलिस ने तुरंत ही FIR संख्या 27/2022 अंडर सेक्शन 387/34 IPC 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर जांच शुरू। DCP द्वारका शंकर चौधरी का द्वारका जिले में ऑपरेशन वर्चस्व के तहत क्रिमिनलों को क्लियर मैसेज है कि क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएंगे। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गैंगस्टर काला जठेरी के नाम पर पब्लिक पर्सन से रंगदारी मांगने की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। इस वारदात के अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचना और आम जनता का कानून के प्रति विश्वास बनाए रखना DCP द्वारका शंकर चौधरी के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। DCP द्वारका शंकर चौधरी ने ऑपरेशन वर्चस्व के तहत ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए विजय सिंह ACP की सुपरविजन और AATS इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में SI जयवीर, ASI उमेश, हेड कांस्टेबल परवीन, राजकुमार, संदीप, अजय और कांस्टेबल विपिन की एक टीम बनाई। जांच टीम ने सबसे पहले वारदात स्थल के आसपास लगे दर्जनों CCTV कैमरों को खंगाला। एक एक CCTV फुटेज को घंटों बारीकी से जांचा। ऐसे अपराधों में शामिल कई अपराधियों का डेटा की जांच की। मुखबिरों का जाल बिछाया। वारदात के समय एक्टिव मोबाइल फोनों का डंप डाटा निकाला गया। जांच टीम की मेहनत रंग लाई। जांच टीम ने एक सस्पेक्ट इकबाल उर्फ नाम के एक बदमाश की पहचान की। जांच में पुलिस टीम को पता चला कि इकबाल उर्फ काला जठेरी गैंग का शार्प शूटर है। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। जांच टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से सस्पेक्ट इकबाल उर्फ पर नजर रखनी शुरू कर दी। जांच कर रही स्पेशल स्टाफ द्वारका टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि दिनांक 13-14 जनवरी 2022 की दरमियानी रात को इकबाल उर्फ थाना बाबा हरिदास नगर इलाके में दीचाओं रोड दिल्ली में अपने साथियों से मिलने आएगा। स्पेशल स्टाफ टीम ने बाबा हरिदास एनक्लेव दीचाओं रोड के पास जाल बिछाया। देर रात लगभग 12:45 पर इकबाल उर्फ मिक्कू चोरी की स्कूटी पर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोका तो उसने पुलिस टीम पर 2 राउंड फायर कर दिए। पुलिस टीम ने भी अपने बचाव में 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा चलाई गई 3 गोलियों में से एक गोली आरोपी के टखने में जा लगी। पुलिस टीम ने घायल आरोपी इकबाल उर्फ मिक्कू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी इकबाल उर्फ मिक्कू ने कबूल किया कि वो गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग का शार्प शूटर है और गैंगस्टर काला जठेड़ी के नाम पर रंगदारी के लिए उसने ही कॉल किया था और पीड़ित के अंदर भय पैदा करने के लिए घर के बाहर उसने ही फायरिंग की थी। पुलिस टीम पर फायरिंग करने और अवैध हथियार रखने के आरोप में थाना बाबा हरिदास नगर में आरोपी इकबाल उर्फ मिक्कू के खिलाफ एक और FIR संख्या 30/2022 अंडर सेक्शन 186, 353/307 IPC और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान RZQ 74 गली नंबर 3 न्यू रोशनपुरा नजफगढ़ निवासी 26 वर्षीय इकबाल उर्फ मिक्कू पुत्र बाबू राम के रूप में हुई है। आरोपी की लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ थाना छावला में 3, द्वारका साउथ, द्वारका नॉर्थ, उत्तम नगर, बाबा हरिदास नगर और नजफगढ़ थानों में एक एक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी से 3 मामले सुलझ गए हैं। आरोपी के पास से एक इलीगल ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर।
सारी खबर है और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।